नमस्कार जी, मेरा नाम इंदु आनंद है। हम आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे क्या? जी जी, हमारा आज का कार्यक्रम चंडीगढ़ सेक्टर 29 में था। इसमें हम लोगों ने दिवाली का सामान, जो दिवाली में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे दिए, रंगोली बनाने वाले रंग हैं या बच्चों के लिए मिठाई है, वो हमने बच्चों को यहाँ पे, गरीब बच्चों को बांटना है। और इसमें हमारा कारण एक ही है, यहाँ पे हम आए हैं और इन बच्चों को बांटने का, क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे वर्ग हैं जो ये सारे त्यौहार नहीं मना पाते हैं। इतनी इन बच्चों में खुशियाँ बांटने के लिए जितना हमसे बन पड़ता है, हम कोशिश करते हैं, हर वक्त करते हैं। बस इसीलिए हमने ये सारा सामान जो है बच्चों को दिवाली का यहाँ पे आके बांटा है। मैम कितने बच्चे थे आज यहाँ पे? कुल मिला के आप देख सकते हैं, अभी भी बहुत बच्चे खड़े हैं, 60-70 बच्चा होगा, 60-70 के अराउंड बच्चे थे जिनको हमने ये गिफ्ट पैकेट्स बांटे हैं। मैम दिवाली पहले ज़माने में कुछ होर टाइप की बनाई जाती थी, अब कुछ होर है मैम, पटाखे चलते थे, अपनी रौनकें लगती थी, हाँ इस टाइम की कैसा है? हाँ जी हाँ जी, पहले हम सब जानते हैं कि दिवाली हम सब के हिसाब से पटाखों का त्यौहार है, हमें ऐसा ही लगता है कि पटाखे जलते हैं तो दिवाली है, लेकिन एक्चुअली हम सबको पता है दीपावली है, दियों का त्यौहार है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो पटाखों की दिवाली भी हो गई। लेकिन हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस हैं, हमारे देश में बहुत से शहरों में ये फैसले लिए गए हैं कि पटाखे नहीं चलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही हैं, क्योंकि पटाखों से जितना पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, जितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उससे हम सबकी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। बस ये उन सबको अवॉइड कराने का सरकार का एक तरीका है, तो हमें इस फैसले का स्वागत भी करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इको फ्रेंडली दिवाली की। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।